तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भव्य तैयारियां हर दिन चालू है और आज से तो विधि विधान के साथ इसकी पूजा भी शुरू हो जाएगी। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पांच जन्य शंख से शंखनाद किया जाएगा और इसे शंखनाद देखिए करीब 500 साल पुराने शंख को काशी के पंडित अयोध्या लेकर के पहुंचेंगे। बिल्कुल, और काशी की वो खबर भी आपको दिखाएं, उससे पहले एक बार फिर जरा राम मंदिर की ये भव्य तस्वीर जरूर देखें कि कैसे तीन तल्ला राम मंदिर राम जन्मभूमि पर नजर आएगा। 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 23 से आप भी इसी आकार के राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। और ये तीन तल देखिए, ऊपर शिखर से जरा मंदिर की तस्वीर अगर दिखाएं तो शिखर के ठीक नीचे जो तीसरा तल्ला है, उसके बाद दूसरा तल्ला और ये पहली मंजिल जहां विराजेंगे भगवान श्री राम। और इसी मंजिल पर आज से प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान से पूजन कार्यक्रम है वो शुरू हो चुकी है। तो लगातार अयोध्या से राम मंदिर की ऐसी ही खूबसूरतम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उस बीच खबरें भी आपको बता रहे हैं कैसे काशी विश्वनाथ में लोकार्पण के लिए पीएम मोदी की मौजूदगी में पंचजन्य शंख से शंखनाद किया गया और अब रामलला की प्रतिष्ठा में भी इसी शंख का इस्तेमाल किया जाएगा। काशी के इस पांच जन्य शंख से ही 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शंखनाद किया जाएगा। काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के वक्त भी पीएम मोदी की मौजूदगी में इसी पांच जन्य शंख से शंखनाद किया गया था। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी इसके जरिए ही शंखनाद किया जाएगा। इसी शंख से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शंखनाद किया जाएगा। हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि सबसे पहले इस शंख के बारे में बताइए और इसका कब कब इस्तेमाल किया गया है और क्या जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उस दौरान भी आप लोग इससे शंखनाद करेंगे? जी जी, मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है। इसको विशिष्ट अवसरों पे, शुभ अवसरों पे, अनुष्ठानात्मक समय पर, जैसे कथा, मंदिर उद्घाटन, उस अनुष्ठानात्मक समय में इस शंख का वादन किया जाता है, अन्यथा इस प्रकार से नहीं किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय ही शंख का वादन का विशेष रूप दिया गया है तो उस प्रकार से बजाया जाता है। और शुभ अवसरों पर जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय वहां पर वादन किया गया था। करीब 500 साल पुराने इस पांच जन्य शंख को लेकर मान्यता है कि इसे सनातन धर्म में विशिष्ट अवसरों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। पुराणों में इस शंख को उच्चतम माना गया है और ये भी मान्यता है कि ये शंख भीम बजाया करते थे। इसकी खासियत क्या है, आम शंख और इस शंख में क्या अंतर है और ये कितना पुराना है और इसका महात्म्य क्या है? ये इसकी खासियत ये है कि इसकी सिद्धता जो है उच्च स्तर है। ये जठराग्नि के माध्यम से वादन किया जाता है, जिसको ये कहीं भी रखा जाएगा तो ये धर्म की विजय के लिए शुभ माना जाता है। ये शंख का बहुत ही पुराणों के अनुसार उत्तम माना गया इस सभी शंखों में, क्योंकि इसे भीम बजाया करते थे, पांडवों के जो भीम थे वहीं लेकर चला करते थे, वहीं बजाया करते थे। पहले काशी विश्वनाथ के लोकार्पण पर इस शंख से शंखनाद किया गया, अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये शंख बजाया जाएगा, जिसकी ध्वनि से पूरा राम मंदिर प्रांगण गुंजयमान होगा।